हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा सेशन है वो निमसेट 2020 नोटिफिकेशन को लेकर है। आप लोग इस एग्जाम के लिए कई समय से तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट टू इयर्स से प्रिपरेशन किए, लास्ट ईयर से किए, या कुछ बच्चों ने अभी अभी स्टार्ट किए, उन सभी के लिए अच्छी न्यूज है कि निमसेट 2020 का नोटिफिकेशन आ गया है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताना चाहूंगा क्योंकि मैंने जो चीजें फील की है यहाँ पर बच्चे, क्योंकि पढ़ने भी आते हैं हर जगह के, आप लोग क्लासरूम कोर्स से, ऑनलाइन कोर्स से या लाइव क्लासेस से जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब निमसेट का क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया तो मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा, क्या क्या बातें हैं ध्यान रखनी है फॉर्म फिल करते समय वो बताऊंगा। और दूसरा, अब हमारे पास देखिए निमसेट एग्जाम की डेट है इस बार 24 मई। नॉर्मली हर साल मई के फोर्थ संडे को ही होता है और इस बार भी वैसा ही है। एनआईटी रायपुर कंडक्ट कर रहा है इस बार एग्जाम को, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप में से जो जो आपने क्वेश्चन भेजे थे पहले कि एनआईटी रायपुर कंडक्ट कर रहा है तो पेपर का लेवल क्या होगा, क्या क्या चीजें हैं, सर्टिफिकेट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ध्यान रखनी है। और ये बचे हुए आप लोग पिछले कई दिनों से मैसेज भी लिख रहे हैं कि सर निमसेट पे एक सेशन लीजिए, मैं रुका इसलिए था कि एग्जाम की एक डेट आ जाए तो अब आपको मेरे रेगुलर सेशन मिलेंगे। नॉट ओनली कि ये आखिरी ये सेशन के बाद, मैं आपको अब रेगुलर बहुत सारे सेशन लेने वाला हूं जिससे कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर पाए और एक अच्छा रिजल्ट दे। तो अब पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बात करते हैं। सबसे पहले इस बार का एग्जाम डेट है 24 मई 2020। फॉर्म फिल होंगे 6 मार्च से, अभी फिल नहीं होंगे, 6 मार्च से 31 मार्च के बीच में, इंक्लूडिंग दिस एंड दिस डेज, यानी 6 मार्च को आप ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट कर सकेंगे। आज है 23rd फेब, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको अभी कुछ नहीं करना है 6 मार्च तक। आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके nimset.in पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करें और उसको अच्छे से रीड करें, या फिर impetusgurukul.com पर जाएंगे तो वहां पर हमने टॉप पर एक निमसेट नोटिफिकेशन दिया है, वहां से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जब आप गूगल पे ये सर्च करते हैं कि निमसेट 2020 ऑफिशियल वेबसाइट या नोटिफिकेशन, तो कई सारी दूसरी साइट्स खुलती हैं, उसमें आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बोलूंगा आप जो भी इंफॉर्मेशन देखें ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाके देखें, तो ऑफिशियल वेबसाइट nimset.in, इवन हमने भी जो लिंक दिया उस पर भी आपको रिडायरेक्ट करा गया है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देखें। अब बात आती है कि अभी एक और बात बताना चाहूंगा कि इस फॉर्म को 6 से भरना है, इसके बीच में भी हो सकता है थोड़े बहुत अमेंडमेंट इसमें हो। जैसे अभी आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखते हैं तो आप में से सुबह ही आज मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा कि सर कैलीकट की सीट्स नहीं दिए, तो हो सकता है कि कैलीकट की सीट में प्लस माइनस कुछ हो इसलिए नहीं दी, इसलिए आप देखिए नोटिस करिए टोटल में भी नहीं दिया, ऐसे कुछ प्लस माइनस हो सकते हैं, तो आपको उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि उसके लिए वेट करने की जरूरत है। अब बात आती है कि आज 23 है और 24 मई को आपको अगर एग्जाम देना है तो इसका मतलब है हमारे पास 90 डेज अभी भी हैं। एक बच्चा ये बोल सकता है केवल 90 डेज बचे हैं और एक बोल सकता है अभी भी 90 डेज हैं। आपके बोलने के ऊपर डिपेंड करता है आपके रिजल्ट पर। अभी भी 90 डेज हैं, अगर आपने अब तक प्रिपरेशन किए तो इन 90 डेज में एक सिस्टमेटिक प्रॉपर वेल प्लान करने से आप एक अच्छे रिजल्ट पर मूव कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, पर यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर सेशन है तो मैं अभी पहले इसमें ही बात करूंगा। अभी मैं आपके साथ जो भी सेशंस लूंगा, इनफैक्ट मैंने अभी एक क्विक क्विज जो चालू की है वो जरूर आप लोग दीजिएगा, उससे भी आप में काफी इंप्रूवमेंट आएगा। दूसरा, आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से भी जुड़े हुए हैं, उसमें आपको काफी सारे अभी आने वाले समय में टेस्ट मिलेंगे जो आपको काफी इंप्रूवमेंट करेंगे। लास्ट टाइम में एक्चुअल में होता यह कि सिस्टमेटिक रिविजन एंड टेस्टिंग और एनालिसिस, अगर इस पर वर्क करते हैं तो एक अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो इन सब पे आप अभी फोकस करिए। इसके लिए मैं अभी सेपरेट सेशन भी लूंगा, तो अभी मैं बात करूंगा कि आप क्या क्या चीजें याद रखनी है। सबसे पहले कि इसका फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसको लेके हमेशा डाउट रहता है। ये पेज नंबर 7 पे बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि बीएससी, बीएससी ऑनर्स, बीसीए यानी बीएससी, बीएससी ऑनर्स, बीसीए, BIT मतलब बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बी वोकेशनल कंप्यूटर साइंस ऑब्लिक कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ मिनिमम 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम फॉर रेगुलर यूनिवर्सिटी विथ मैथमेटिक्स और ऑब्लिक स्टेटिस्टिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट। अब बीएससी जब वर्ड आता है तो होता क्या है कि बीएससी बायो से भी होता है, बीएससी केमिकल इंजीनियर से भी होता है, केमिस्ट्री से भी होता है, यानी बीएससी में कई बार मैथ्स नहीं भी होता है, इसलिए उन्होंने ये मेंशन किया है
कि विथ मैथमेटिक्स स्टेटिस्टिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी आपका किसी एक ईयर या सेमेस्टर में मैथमेटिक्स या स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। बीसीए वाले कैंडिडेट डायरेक्ट एलिजिबल हैं, सबसे पहली बात ये हुई। दूसरी बात, अब क्योंकि एनआईटीज में प्लेसमेंट इस समय बहुत अच्छे हो रहे हैं, मतलब 40 लैक्स तक को क्रॉस कर गया है, और इतने अच्छे प्लेसमेंट को देखते हुए अब बी वाले बच्चे भी पीजी कोर्सेज के लिए एमसीए करना प्रेफर कर रहे हैं, जो प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो बच्चे, उनको लगता है कि इतना अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा तो क्यों ना एमसीए करें, तो बी ई या बीटेक वाले भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। एक बात ये हुई, अगर आप फाइनल ईयर अपेयरिंग स्टूडेंट हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। तो बीसीए वाला बच्चा डायरेक्ट एलिजिबल है। दूसरा, ट्वेल्थ में आपका पीसीएम सब्जेक्ट नहीं भी हो तो भी आप बीसीए अगर कराए तो आप एलिजिबल हो। अब बात आती है, और अगर किसी का पीसीएम है वही बीएससी कर सकता है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ट्वेल्थ के परसेंट नहीं देखे जाते। अब मैंने इसलिए ऑफिशियल वेबसाइट वर्ड यूज किया कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो ठीक है, पर कई पुरानी वेबसाइट ऐसी हैं अभी भी जहां पे वो लिखती हैं ट्वेल्थ का 60% या टेंथ का, ऐसा होता था पर पहले, अभी नहीं होता। इसलिए सारे नोटिफिकेशन, ये 29 पेज का बुलेटिन है, इसको बहुत अच्छे से देखिए पढ़िए एंड देन डिसाइड करेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। होता यह है कि हम आधी अधूरी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं इसलिए प्रॉब्लम होती है। अब बात आती है कि आपके ग्रेजुएशन में कितने परसेंट होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन में एग्रीगेट 60% होना चाहिए। 60 मतलब 60 ही। आप में से कई बच्चे कई बार पूछते हैं सर 59.9 है या 98 है, मैं बोलता हूं 59.99 भी होंगे तो भी एलिजिबल नहीं। जैसे क्रिकेट में सेंचुरी का मतलब होता है 100 रन, 99 नहीं, 98 नहीं, वैसे ही 60 मतलब 60 एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक 60 होंगे चलेगा, 60% का एक जनरल बात करूं कि 100 मार्क्स का पेपर है और 60 मार्क्स है तो आपके 60% है, 1000 मार्क्स का पेपर है और 600 मार्क्स है तो आपके 60% है, लाइक दिस 500 का पेपर टोटल पेपर्स हैं तो 300। और ये भी एग्रीगेट देखा जाता है। एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन या डाउट होता है कि अगर सर ग्रेजुएशन में बीएससी में जो मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स उसमें 70% है, बट ओवरऑल जो परसेंटेज है वो 59 है, क्या एलिजिबल है? मैं बोलूंगा नहीं है, क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा ऑल सब्जेक्ट, जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, सपोर्टिंग सब्जेक्ट है, उन सबको मिला के 60% ही चाहिए। और अगर आपका पॉइंटर सिस्टम है कॉलेज में तो 10 पॉइंट में रिजल्ट ले जाता है, तो 6.5 पॉइंटर होना चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए है और ओबीसी के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में लाइक एससी एसटी तो आपको 55% या 6 पॉइंटर की रिक्वायरमेंट होगी। फाइनल ईयर अपेयरिंग स्टूडेंट भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर वाले इस एग्जाम को नहीं दे सकते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको लेके कब से ज्यादा डाउट रहता है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, या अगर सेमिस्टर सिस्टम है तो ऑल सेमिस्टर का एग्रीगेट 60% होना चाहिए उनके लिए जिनका ग्रेजुएशन हो गया। अब किसी का ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, कोई फाइनल ईयर में है, कोई फोर्थ फिफ्थ सेमिस्टर में है, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं एडमिशन के समय तक रिजल्ट आ जाए या उसके बाद भी, पर ओवरऑल जब फाइनल डिग्री मिले आपको तो वो 60% की होना चाहिए, ये चेक किया जाता है। यानी ये भी दूसरा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सर सेकंड ईयर में तो अभी परसेंटेज कैसे 60 बताएंगे, आपको उसकी चिंता नहीं करना, ये पास आउट स्टूडेंट के लिए है, फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर वाला एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको सेकंड ईयर तक की मार्कशीट अपलोड करनी होती है। सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, कोई भी हार्ड कॉपी आपको सेंड नहीं करनी है, इस बात को भी ध्यान रखिए। पूरी एक एक चीज दी है, वही चीज में से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। अब बात आती है कैटेगरी सर्टिफिकेट की, जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डाउटफुल क्वेश्चन होता है वो ये। तो देखिए, एक तो होता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट है, ईडब्ल्यूएस हो गया, एक हो गया ओबीसी या एससी एसटी या फिजिकल हैंडीकैप लाइक दिस। अब ये सर्टिफिकेट जो है वो आपको 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक के बीच में जो भी बने होंगे वही अपलोड करने हैं। अगर 1 अप्रैल के पहले का है, मतलब मान लो आपको 30 मार्च 2019 का है, तो भी वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, 2019 जनवरी का तो नहीं किया जाएगा, यानी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच का ही कोई सर्टिफिकेट। अगर आपके पास है नया ना बनवाएं,
वही अपलोड करें, पर 2019 अप्रैल के पहले का है तो बनवाएं, और अगर है तो नहीं बनवाना है। दूसरी बात, यह सर्टिफिकेट आपको ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग के समय अपलोड करना होगा। अब इसके बाद फिर आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा जो 1 अप्रैल, ये भी सब दिया हुआ है, 1 अप्रैल 2020 से के बाद का होना चाहिए। तो मई में एग्जाम है, आप अप्रैल में बनवा लें, आप मई में बनवा लें, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन एग्जाम के बाद बनवा लें चलेगा, पर कई जगह पे कुछ स्टेट में या कुछ सिटी में ऐसा होता है टाइम लगता है, तो आप पहले से अप्लाई कर दें, और अप्लाई करने में टाइम खराब ना करें, अपने पेरेंट्स को बोल दें, वो अप्लाई कर देंगे। तो EWS तो वैसे भी आपके पेरेंट्स की इनकम सर्टिफिकेट का प्रूफ होता है तो वही बनवाएंगे, बाकी ये सर्टिफिकेट के लिए भी आप पेरेंट्स को बोल देंगे तो वो बनवा देंगे वो, पर 1 अप्रैल 2020 के, पर ये अभी नहीं लगेगा ना, इसको बाद में अपलोड करना है, ये जब काउंसलिंग के लिए आप जाएंगे उस समय आपके काम आने वाला है, राइट। यानी काउंसलिंग के समय देना है तो अभी उसके लिए बिल्कुल पैनिक नहीं होना है ना कंफ्यूज होना है। तो ये एक सर्टिफिकेट है जो 2019 से। अब बात आती है, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं अच्छा इसमें सर्टिफिकेट कैसे बनना चाहिए, उसका प्रोफॉर्मा भी दिया है, उसी प्रोफॉर्मा में आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो उस प्रोफॉर्मा में बनवाना है आपको। अगर एक सेवा आपका सर्टिफिकेट स्टेट का है, या मान लीजिए एक सेवा कंसिडर नहीं किया, तो भी घबराना नहीं, आप एज अ जनरल कैंडिडेट होंगे, और इसलिए मैं हमेशा हर बच्चे को बोलता हूं कि आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, आप अपनी स्टडी जनरल कैटेगरी से करेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एक जनरल बात बोली मैंने, इसको लेके आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना, अपने आप सर्टिफिकेट अपलोड कर दें, एक सेवा कभी ऐसा होता है तो। अब बात आती है कि ये सब करने के बाद आपने ये फॉर्म फिल कर दिए, सर्टिफिकेट बनवा लिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको ध्यान रखना है आपको। अगर आप इसमें से कोई भी मिस्टेक, क्योंकि क्या होता है, इन्होंने क्लियर बोला है कि जब आप फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे तो आप उसे भरने के बाद उसको प्रीव्यू कर लें, रिव्यू कर लें, फिर उसके बाद सबमिट करें, फाइनल सबमिशन के पहले आप उसको चेक कर लें। फॉर्म 6 मार्च से स्टार्ट होंगे फिल होना, तो मैं उसके पहले और भी सेशन लूंगा, कोई और भी नई न्यूज आएगी तो बताऊंगा। इसके अलावा इसके स्कोर से आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, कानपुर का SBTU, ऐसे और भी हो सकता और भी यूनिवर्सिटी जुड़ जाए, जैसे लास्ट ईयर इंद्रप्रस्थ जुड़ी थी, उनको भी आप, उनके लिए भी आप क्वालिफाई होंगे अगर उनका सेपरेट फॉर्म फिल करेंगे। जैसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए आपको हैदराबाद यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, वहां पे फॉर्म फिल होगा, और वो NIMSET के फॉर्म के बाद ही आता है, इसलिए अभी घबराना नहीं है। और जो जो इससे एफिलेशन जिन कॉलेज का होगा उनके लिए भी मैं आपके साथ सेपरेट सेशन शेयर करूंगा, इसलिए आपको उसके लिए भी कोई परेशान नहीं होना है। अभी जैसे हैदराबाद में देखें तो इस समय एक बच्ची का MCA में 43 लाख पे प्लेसमेंट हुआ। आप सोचिए कि MCA में प्लेसमेंट इतने अच्छे हो रहे हैं कि आज बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस फील्ड में मूव करते जा रहे हैं। बी वाला बच्चा आ रहा है, इसका मतलब है कि प्लेसमेंट अच्छे हो रहे हैं, इसलिए आप भी अच्छे पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करिए। अभी भी 90 दिन है, एक सिस्टमेटिक वैसे पढ़ाई करिए। सेशन के बाद मैं आपके साथ बहुत जल्दी कई सारे और सेशन लेने वाला हूं, जिसमें आपसे छोटी छोटी बातें डिस्कस करूंगा, तो आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी कि क्या क्या चीजें याद रखनी है, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कौन कौन से करने हैं, वो सब कुछ दिया हुआ है इसमें, हर एक चीज दी हुई है। पहला काम आप करिएगा कि NIMSET.in पे या impetusgurukul.com से जाके, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इंफॉर्मेशन रीड करिए और अपनी पढ़ाई पे फोकस रखिए। अभी 90 दिन है, हर दिन को 2 दिन 3 दिन के बराबर बनाइए। अगर रोज 4 घंटे पढ़ते हैं तो 12 घंटे पढ़िए, अपने आप ही ट्रिपल टाइम बढ़ जाएगा, यही कोशिश करिए। बहुत सिस्टमेटिक पढ़ाई करिए। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो अगला एक डाउटफुल क्वेश्चन होता है वो होता है नंबर या रैंक को लेके, वो मैं आपको यहां पे इसलिए क्लियर करना चाहूंगा कि इसमें भी कॉमनली बच्चे मिस्टेक करते हैं। वो क्या मिस्टेक होती है बता दूं। सबसे पहले इसमें 4 सेक्शन है, 120 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के 50, LR के 40, कंप्यूटर फंडामेंटल के 10 और इंग्लिश के 20। इस तरह से 120 क्वेश्चन का पेपर होता है। 4R-W से स्कोर निकाला जाता है, यानी राइट के 4, रॉन्ग के 1, बट रैंक का सिस्टम नहीं है। आप रैंक अलॉटमेंट जब देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। हर बार मैं जब वीडियो सेशन डालता हूं तो बच्चे मुझसे बोलते हैं सर मार्किंग स्कीम दिए 4R-W, फिर आप मैथ्स के 12 नंबर, रीजनिंग के 6 नंबर, कंप्यूटर के 8 और इंग्लिश के 4 क्यों बोलते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये मार्किंग 4R से ही होती है, नंबर आपके वही होंगे, बट रैंकिंग सिस्टम के हिसाब से ये होगा कि किसको कैसे रैंक अलॉट की जाए। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए कि एक बच्चे ने, ये जनरल बात बता रहा हूं, 10 क्वेश्चन मैथ्स के किए, 10 रीजनिंग के किए, अभी मान लेते हैं सब राइट हैं, 10 कंप्यूटर के किए और 10 इंग्लिश के किए।
इस तरह से उसने फोर से अगर देखें तो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इंटू फोर, राइट 40 इंटू, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के फोर मार्क्स मिलेंगे, तो 40 इसमें, 40 इसमें, 40 इसमें और 40 इसमें, तो ये इसको मार्क्स मिले 160 मार्क्स इसको मिले, राइट क्योंकि 10 क्वेश्चन मैथ्स के किए, चार नंबर का एक है, तो 40 नंबर इसमें मिल गया, 40 इसमें, 40 इसमें, 40 इसमें, टोटल आया 160। एक दूसरा बच्चा है उसने 40 ही क्वेश्चन किए और मैथ्स के किए, केवल मान लेते हैं मैथ्स के किए, तो उसको जो है अगर नंबर के हिसाब से देखें तो 160 ही मिले, 480 मार्क्स का पेपर होता है, बट जब रैंक देने की बात आएगी तो इसके मार्क्स को ऐसे कैलकुलेट करेंगे 40 इंटू 12 यानी 480, यानी अगर हम देखें तो इसके 480 नंबर होंगे, 480 और इसके 160 ही होंगे। अब इसके 160 नहीं होंगे, इसके कैलकुलेशन ऐसे हो गया, बताता हूं, मार्क्स दोनों के 160 होंगे, इसके भी, पर रैंक के समय मार्क्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता बताता हूं। अब इसके मार्क्सिंग कैसे करेंगे, देखिए 120 मैथ्स में आए, 60 रीजनिंग में आए, कंप्यूटर का 8 होता, 8 इंग्लिश के 4 होते हैं तो 40, ये हुआ 200, 260 एंड 300, यानी इसका स्कोर होगा रैंक के हिसाब से, जब रैंक दी जा रही होगी तो इसके स्कोर को 300 मानेंगे, इसके 480, यानी 40 क्वेश्चन कर रहे हैं दोनों ने, पर नंबर का डिफरेंस कितना है 180, इसलिए मैथ्स पे ज्यादा फोकस होना, ये रैंक अलॉटमेंट सेक्शन है, मार्क्स दोनों के ही सेम होने पर भी एक्चुअल में अगर देखें तो रैंक वाइज तो ये समझ के चलिए कि वो आउट ही हो जाएगा, इतना ज्यादा डिफरेंस होता है, इसलिए पूरा फोकस आपको मैथ्स पे लगाना है, मैथ्स 600 और फिर उसके बाद एलआर, एलआर भी मैथ्स बेस्ड होती है, मैंने अभी अभी पेपर भी डिस्कस किया आपके साथ, कुछ पेपर और शेयर करूंगा, तो 2840 केवल मैथ्स और एलआर से मिलता है, बाकी कंप्यूटर और इंग्लिश, ये बोनस होता है आपका 8080 का, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर मैथ्स अच्छी कर ली आपने 11th 12th की तो आपको इसका एडवांटेज मिलेगा, इसलिए मैथ्स पे हम लोग बहुत वर्क करते हैं, ऑनलाइन में जुड़े हुए अभी जो बच्चे हैं आपको मैं बताऊं इस समय तक भी फास्ट कोर्स से बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि रेगुलर उसमें 4 आवर 5 आवर की लाइव क्लासेस मिलती है, रोज की टेस्टिंग हो रही है, वो सारी चीजें हैं, तो अभी इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बल्कि अभी पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन करनी है। एक और क्वेश्चन जो मुझसे आप लोग पूछते हैं कि सर अब टाइम बहुत कम बचा है तो हम इस साल ना देके नेक्स्ट ईयर ही दें ड्रॉप लेके, ड्रॉप लेने में कोई नुकसान नहीं, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं इस समय एनआईटीज के प्लेसमेंट को देखते हुए कुछ बच्चे ऐसे भी एनआईटीज में जाते हैं जिनके 4-5 साल से ऊपर के ड्रॉप होते हैं, 6-7 ईयर तक के ड्रॉप, उनको भी प्लेसमेंट में प्रॉब्लम नहीं आता, बट आप अगर ये सोचते हैं कि आपको ड्रॉप लेना है तो भी और नहीं लेना है तो भी, दोनों केस में आपको फॉर्म जरूर फिल करना है और बचे हुए 90 दिन में अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम देना, जिससे अगर मान लीजिए रैंक नहीं आती तो कम से कम ड्रॉप ईयर में आप जीरो पे नहीं होंगे और आपको यह पता होगा कि अगले पूरे साल कैसे पढ़ाई करनी है, इस माइंडसेट के साथ ही आपको अपने आप को लेके चलना है। तो फॉर्म तो आप सभी को फिल करना है, अगर आप एमसी एंट्रेंस के लिए सीरियस हैं तो, और आपके 60% प्लस है, एक सिवा अगर 60 से कम है तो फिर आप अपने आप को बीएचयू या जेएनयू या जो भी और एग्जाम्स आते आएंगे, सीईटी महाराष्ट्र, किट वगैरह जो भी एग्जाम आते जाएंगे वो मैं आपको बताता चलूंगा। तो अभी ये सेशन यहीं पे एंड करूंगा, अभी मैं आपके साथ बहुत सारे सेशंस लूंगा, अभी 6 मार्च के पहले बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, उन सब के साथ ही आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट आए तो आप मुझे लिख दीजिए या कुछ भेज दीजिएगा तो मैं आपका डाउट भी डेफिनेटली सॉल्व करूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।